हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे कोर्स पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स में। तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले। फर्स्ट है स्ट्रिंग्स, कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन से वेज से हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में, एंड स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस पे भी बात करने वाले। एंड सेकेंड हम बात करने वाले एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है। तो आपको याद होगा कि हम वीएस कोड में फाइल यहाँ पर न्यू फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट करते हैं, और मैं इसका नाम देता हूँ ट्यूटोरियल 10.py। आपको py मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका पाइथन का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर हमने हमारा पाइथन का एक फाइल क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है ट्यूटोरियल 10.py। तो हम पहले देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रिंग एक कंटिग्यूस सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो हम लिखते हैं कोटेशन मार्क्स में। तो कोटेशन मार्क्स से मेरा मतलब क्या है तो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड सेकेंड थिंग कि स्ट्रिंग सिर्फ एक वर्ड ही नहीं या तो एक लाइन ही नहीं, स्ट्रिंग कुछ 5,000 या 10,000 वर्ड्स भी कंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले तो अपना एक स्ट्रिंग का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय str इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि वैल्यू कंटेन कर रहा है एक स्ट्रिंग। तो चलिए इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, इसके अंदर हम वेरिएबल पास करेंगे जो कि हमारा है माई एस टी आर। तो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे आप देख सकते हो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने यहाँ पर हमारे वेरिएबल को स्पेसिफाई किया था। तो स्ट्रिंग हम तीन वेज से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कौन से तीन वेज है मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट है यूजिंग डबल कोट्स, तो हम डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड में आपको बोलना चाहूंगा है सिंगल कोट, और थर्ड में आपको बोलना चाहूंगा डबल ट्रिपल कोट्स और सिंगल ट्रिपल कोट्स। तो ट्रिपल डबल कोट या ट्रिपल सिंगल कोट मेनली स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, बट हम उसे एज अ कमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कमेंट कैसे डिफाइन, मल्टी लाइन कमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है तो आप उसे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए एक एक करके इन सबको देख लेते हैं कि हम इन तीनों वेज से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने देख लिया है कि डबल कोट से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई str1 equals to, तो इस बार हम सिंगल कोट्स में हमारा स्ट्रिंग वैल्यू देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ माई str1, तो आप देख सकते हो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है हेलो वर्ल्ड, जो कि 2 times प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे है। एक प्रिंट कर रहा है डबल कोट्स वाला स्ट्रिंग, और सेकेंड वाला प्रिंट कर रहा है सिंगल कोट्स वाला स्ट्रिंग। तो अब थर्ड वाले को इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है माय पैर, और इसके अंदर आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, जो कि एग्जैक्टली सेम प्रिंट होना चाहिए, हेलो एक न्यू लाइन पर और वर्ल्ड एक न्यू लाइन पर। तो देखते हैं वो प्रिंट होता है या नहीं। तो हम इसे भी प्रिंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ माय पैर को, तो आप देख सकते हो इसने हमें हेलो न्यू लाइन पर प्रिंट किया है और वर्ल्ड भी न्यू लाइन पर प्रिंट किया है। वो क्यों हुआ, क्योंकि ये ट्रिपल डबल कोट्स में जो भी हम लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ कंसिडर्ड होगा। आप यहाँ पर न्यू लाइन दोगे तो वो उसे भी पैराग्राफ में न्यू लाइन कंसिडर करेगा। तो आप देख सकते हो इसने इस बार हमें हेलो के बाद एक न्यू लाइन दी है और वर्ल्ड के बाद भी न्यू लाइन दी है। तो हमने देखा कि हम कैसे तीन वेज से स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट थिंग ये बताना चाहूंगा कि हम कैसे
ट्रिपल सिंगल कोट से स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय वेर, और मैं इधर दे देता हूँ ट्रिपल सिंगल कोट्स और क्लोजिंग ट्रिपल सिंगल कोट्स, और इसके अंदर हम लिखते पाइथन, और न्यू लाइन पर मैं यहाँ पर देता हूँ प्रोग्रामिंग, और जैसे ही मैं इसे प्रिंट करता हूँ प्रिंट माय वेर, तो मैं पहले इन सभी प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर देता हूँ, और हम इधर प्रिंट जैसे ही करेंगे आप देख सकते हो हमने ट्रिपल सिंगल कोट की मदद से भी कैसे प्रिंट किया। आप देख सकते हो हमने ट्रिपल तो आप देख सकते हो हमने ट्रिपल सिंगल कोट्स की मदद से कैसे एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की, फिर उसको प्रिंट भी किया। एंड अगर मैं यहाँ पर प्रिंट के बाद न्यू लाइन देता हूँ तो आप नोटिस करोगे इसने यहाँ पर भी मुझे न्यू लाइन दी है, जो कि पाइथन के बाद एक हमें न्यू लाइन मिली और न्यू लाइन पर हमें प्रोग्रामिंग मिला है। तो हमने देखा कि हम ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स की मदद से कैसे स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं पाइथन में, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन से वेज से हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस के बारे में। तो पहले तो मैं यहाँ पर इन सभी को क्लियर कर लेता हूँ और सिर्फ हमारा माय स्ट्र वेरिएबल को रहने देता हूँ, और मैं यहाँ पर मेरा टर्मिनल को भी क्लियर कर लेता हूँ। और टर्मिनल को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा CLS। तो आप देख सकते हैं हमारा टर्मिनल भी क्लियर हो चुका है। तो पहले तो मैं इसे प्रिंट करके देख लेता हूँ ये रन हो रहा है कि नहीं। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट माय str, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा आप देख सकते हो इसने मुझे रन करके दे दिया हेलो वर्ल्ड। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना हो तो आपके पास एक ग्लोबल फंक्शन है जिसे आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पर ग्लोबल फंक्शन को लिखना चाहूंगा len, और इसके अंदर मैं मेरा वेरिएबल पास करूंगा माई str, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा आप देख सकते हो उसने मुझे रिटर्न किया है 12। len फंक्शन की मदद से आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए कुछ और फंक्शन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर माई str के राइट साइड में यहाँ पर डॉट देता हूँ, और जैसे ही मैं डॉट देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बहुत सारे फंक्शन सजेशंस में आए हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे स्ट्रिंग्स के फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कैपिटलाइज को, और जैसे ही मैं कैपिटलाइज को सिलेक्ट करके यहाँ पर पैरेंथिसिस देता हूँ, और यहाँ पर इसे रन करने से पहले तो मैं यहाँ पर हमारे लेंथ फंक्शन वाले प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं हेलो का जो एच है उसे स्मॉल कर देता हूँ, और जैसे मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड दिया है जिसका एच कैपिटल लेटर में आया है, और यहाँ पर हमने जब मेंशन किया था वो स्मॉल लेटर में किया था। तो कैपिटलाइज फंक्शन हमारे किसी भी स्ट्रिंग के लाइन के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है। तो यहाँ पर मैं कुछ और फंक्शंस दिखा देता हूँ आपको लिखकर। तो मैं यहाँ पर जैसे ही लिखता हूँ प्रिंट माय str और डॉट डॉट देके अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाइटल, तो यहाँ पर मैं हमारे वर्ल्ड के w को भी स्मॉल कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो इसने हमारे हेलो और वर्ल्ड दोनों के फर्स्ट लेटर्स को कैपिटलाइज कर दिया है। तो कैपिटलाइज फंक्शन हमारे लाइन के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है, और टाइटल फंक्शन हमारे हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट अपर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर माई str डॉट, और मैं यहाँ पर अपर फंक्शन यूज करूंगा। तो अपर फंक्शन हमारी मदद करता है हमारे पूरे स्ट्रिंग के हर एक लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करने में, और जैसे ही मैं रन करूंगा इसे आप देख सकते हो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया है अपर हेलो वर्ल्ड। तो इधर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कोलन देके स्पेस दे देता हूँ, और जैसे ही मैं वापस रन करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर इसने हमारे स्ट्रिंग के हर एक लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। और ऐसे ही हम अपर के जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे लोअर, तो मैं यहाँ पर लोअर फंक्शन यूज करूंगा उसके लिए, और जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हो इसने हमारे स्ट्रिंग के हर एक लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट माय str डॉट, यहाँ पर मैं फंक्शन यूज करूंगा इज अपर, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा आप देख सकते हो ये हमें बुलियन वैल्यू देगा, और इसने हमें वैल्यू दी है फॉल्स, जिसका मतलब कि हमारा जो स्ट्रिंग है उसका हर एक कैरेक्टर अपर केस में नहीं है,
और अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट माय एस टी आर डॉट इज लोअर, और अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करूं तो आप देख सकते हो इसने हमें रिटर्न किया है ट्रू वैल्यू जो कि एक बुलियन वैल्यू, और वो बोलता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है उसका हर एक कैरेक्टर लोअर केस में है जो कि सही है। तो अभी तक हमने स्ट्रिंग के केस के रिलेटेड फंक्शंस देखे, तो चलिए कुछ और फंक्शंस ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई एस टी आर और डॉट दे के मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा फाइंड, और फाइंड फंक्शन की मदद से हम किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं या तो स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ओ और जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हो इसने मुझे फिर वैल्यू रिटर्न की है 4, जो कि बोल रहा है कि ओ कैरेक्टर 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वर्ल्ड के अंदर भी एक ओ है जिसका पोजिशन है 7, तो उसने 7 क्यों रिटर्न नहीं किया। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा फाइंड फंक्शन में हम जो भी कैरेक्टर देंगे वो उसके फर्स्ट ऑकरेंस के कैरेक्टर की पोजीशन रिटर्न करता है, तो इसलिए हमें उसने वैल्यू दी है 4। तो मैं यहाँ पर मेरा टर्मिनल पहले तो क्लियर कर लेता हूँ और चलिए कुछ और फंक्शंस ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट माई एस टी आर डॉट एंड्स विथ, और इसके अंदर अगर मैं लिखूँ एक्सक्लेमेशन मार्क और जैसे मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हो मुझे इसने वैल्यू रिटर्न की है ट्रू। तो मैं पहले तो इन सभी प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं वापस रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो कुछ और वैल्यूज डाल के ट्राई कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल और वापस रन करता हूँ इसे, तो आप देख सकते हो इसने हमें रिटर्न किया है फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क और मैं इसे रन करूं, तो आप देख सकते हो इसने हमें रिटर्न किया है ट्रू, जिसका मतलब ये है कि वो चेक करता है कि हमने जो यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन किया है वो एंडिंग में प्रेजेंट है कि नहीं हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल में। अभी तक हमने कुछ स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बात की, और अगर आपको कुछ और फंक्शंस को एक्सप्लोर करना हो तो आप अपना ब्राउजर ओपन कर ले और यहाँ पर आप टाइप करें स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। तो आप जैसे ही ये टाइप करेंगे तो और आप फर्स्ट वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर सभी फंक्शंस मिल जाएंगे स्ट्रिंग रिलेटेड, तो आप इन सभी को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। तो अभी तक हमने स्ट्रिंग्स के बारे में बात की, तो अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे जो कि है एस्केप सीक्वेंसेस। तो मैं यहाँ पर इन सभी को पहले क्लियर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर मेरे टर्मिनल को भी क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग माय एस टी आर वन इक्वल्स टू सिंगल कोट में हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग के वेरिएबल डिफाइन किए, एक है डबल कोट्स में और एक है सिंगल कोट नोटेशन में। तो पहले तो मैं इन दोनों को प्रिंट करके देख लेता हूँ कि ये रन हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय एस टी आर और सेकंड प्रिंट करता हूँ मैं हमारे माय एस टी आर वन वेरिएबल को। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हो इसने मुझे दोनों वैल्यूज प्रिंट करके दे दिया है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लिखना हो कि हेलो की जगह हेलोस वर्ल्ड, तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसने हमें रन करके दे दिया है हेलोस वर्ल्ड। तो अगर आपको सेम हेलोस वर्ल्ड सिंगल कोट में भी लिखना हो, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सिंगल कोट एस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कलर चेंज हुआ है। तो ये क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर ऐसा समझा कि यहाँ पर स्ट्रिंग का ओपनिंग है और यहाँ पर स्ट्रिंग एंड हो गया है, पर ऐसा नहीं है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है जो कि बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, जो कि पाइथन इंटरप्रेटर को कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को एस्केप कर दो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकस्लैश, जिसको हम एस्केप कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही मैं ये बैकस्लैश लिख के रन करता हूँ आप देख सकते हो इसने मुझे रन करके दे दिया है विदाउट एरर, और हमें मिल गया है हमारा हेलोस वर्ल्ड। तो सेम अगर मैं यहाँ पर हमारे माय एस टी आर वेरिएबल का यहाँ पर मैं सिंगल कोट की जगह डबल कोट लिखूं
और रन करूं तो आप देख सकते हो इस सिचुएशन में भी हमें एरर मिलेगा क्योंकि ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। तो इस सिचुएशन में भी हम यहाँ पर यूज करेंगे बैकस्लैश जो कि हमारा है एस्केप कैरेक्टर। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो इसने हमें रन करके दे दिया है विदाउट एरर। तो चलिए इसके भी कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं बैकस्लैश और इसे रन करता हूं तो आप देख सकते हो इसने मुझे प्रिंट करके दिया है हेलोज वर्ल्ड जिसके स्टार्टिंग में एक बैकस्लैश आया है। पर अगर इधर एच की जगह एन होता और अगर हम इसे रन करें तो आप देख सकते हो इसने मुझे यहाँ पर न्यू लाइन दी है और यहाँ पर इसने मेरा एच प्रिंट ना करते हुए हेलोस वर्ल्ड प्रिंट करके दिया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो स्लैश एन हम न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं पाइथन में या दूसरे किसी भी लैंग्वेजेस में। तो इधर पाइथन इंटरप्रेटर को लगा कि हमको यहाँ पर न्यू लाइन यूज करनी है तो इसलिए उसने यहाँ पर हमें न्यू लाइन दे दी और हमारा एन प्रिंट नहीं किया। पर अगर हमें प्रिंट करना है एन को तो यहाँ पर हमें हमारे बैक स्लैश के आगे एक और बैक स्लैश देना होगा और जैसे ही हम यहाँ पर देते और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है हमारा स्ट्रिंग। तो अभी तक हमने देखा कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या होते हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से वेज है उसको डिफाइन करने के, एंड हमने सेकेंड थिंग देखी कि हम एस्केप सीक्वेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वो बेल आइकॉन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।